सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर ऑफ इसका। चलिए शुरू करते हैं आज अपना लास्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 7, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रेगुलेटरी इश्यूज। देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट? ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक ही पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, राइट, जो अराउंड फर्स्ट 17 पेजेस तक चलने वाला है, और उसके बाद में आएगा रेगुलेटरी जो भी इश्यूज है, से फॉर एग्जांपल आरबीआई की गाइडलाइंस, सेबी की गाइडलाइंस, आईआरडीए की गाइडलाइंस, डिफरेंट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, वो सारी चीजें आएगी, राइट? तो अगर मैं बोलता हूँ ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है, ये चैप्टर का वेटेज एग्जाम में अज्यूम कर सकते 12 मार्क्स जितना, कितना कर सकते 12 मार्क्स जितना, जिसमें से एक क्वेश्चन कंपल्सरीली आएगा ही आएगा पार्ट टू से, राइट? मैं बता रहा हूं, और वो जो क्वेश्चन पार्ट टू से आता है वो जनरली कंपलसरी क्वेश्चन में आता है। दैट इज जो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका केस स्टडी क्वेश्चन रहता है उसमें आपका एक आता है पार्ट टू से क्वेश्चन। तो पार्ट टू आपको बहुत अच्छे से लर्न करने की जरूरत है, राइट? गेटिंग माय पॉइंट। बात करता हूँ मैं पार्ट वन सेक्शंस की। चीज़ समझिए, जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ते होंगे या फिर से फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे होंगे, तो आप सब ने देखा होगा एक्ट के साथ में रूल्स रहते हैं, राइट? सिमिलरली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के साथ भी क्या रहते हैं, रूल्स रहते हैं, जिनके थ्रू आप ये सेक्शंस को प्रॉपरली समझ सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो और केस स्टडीज को सॉल्व कर सकते हो। बट अभी इंस्टीट्यूट ने आपके लिए सिलेबस में वो रूल्स कवर नहीं किए, सो बेसिकली दे हैव जस्ट गिवन लिस्ट ऑफ सेक्शंस। सो काफी सेक्शंस दिए हुए, उसमें से थोड़े कोर सेक्शंस से अपना मेन फोकस उन्हीं सेक्शंस पे रहेगा। जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे द लास्ट क्यू, राइट डाउन सेक्शन 7 और सेक्शन 5, जो भी सेक्शन से जो मैं बताऊंगा थोड़े इंपॉर्टेंट, जनरली उसी में से आते हैं और वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने। बाकी सारे आप एक बार रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? अब द पॉइंट इज, जो मैं केस स्टडीज आपके लिए साथ डिस्कस करूंगा यहां पे, वो कंसेप्चुअली क्लियर रखना, हो सकता है एग्जाम में वो केसेस आपको पूछे जाए, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके साथ शुरू करते हैं अपन अपना चैप्टर नंबर 7। देखिए, आइए सब मेरे साथ पेज नंबर 7.1 में, और 7.1 पे आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलेटरी इश्यूज। सबको मिलना चाहिए चैप्टर 7.1, पेज 7.1, चैप्टर 7, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलेटरी इश्यूज, जिसमें आप देखिए चार पार्ट मैंने किए। पहला पार्ट है आपका आईटी एक्ट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, राइट? फर्स्ट पार्ट क्या है, आईटी एक्ट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, और यही पार्ट आपका ऑलमोस्ट 17 पेजेस तक चलने वाला है। इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट वन क्वेश्चन, राइट एवरीवन? फर्स्ट पार्ट में से एटलीस्ट वन क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पार्ट टू में से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वन क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन में। किसमें आएगा पार्ट टू में से? कंपलसरी क्वेश्चन में से। पार्ट थ्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार रीड कर लेना, क्योंकि इसमें कुछ डिस्कस ही नहीं किया हुआ है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे दिया है। एंड पार्ट फोर अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स आपके लिए कौन से चार पार्ट में से कौन से तीन पार्ट इंपॉर्टेंट है, पार्ट वन इंपॉर्टेंट है, टू इंपॉर्टेंट है, फोर इंपॉर्टेंट है, राइट? अब पार्ट वन में सारे सेक्शंस आपको अच्छे से नहीं, मतलब आपको लर्न नहीं करने, समझने, जो बता रहा हूं इंपॉर्टेंट उन पे ज्यादा आपको फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन पार्ट वन के साथ। अगर आप देखते हैं पार्ट वन, तो आपको देखेगा अंदर 9 पॉइंट्स मैंने बनाए, 9 सब पार्ट्स बनाए। फर्स्ट क्या रहा है, इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव। सेकेंड आ रहा है की डेफिनेशंस। थर्ड आ रहा है डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। फोर्थ आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। फिफ्थ आ रहा है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिग्नेचर। सिक्स्थ पेनल्टीज इन एडजुडिकेशन। सेवेंथ ऑफेंसेस अंडर आईटी एक्ट। एट इंटरमीडियरीज एंड नाइन्थ मिसलेनियस। सबको टोटल 9 पार्ट्स मिल रहे होंगे, राइट? जो पार्ट वन ने उसके अंडर में, राइट? चलिए नाउ टर्न योर पेज, कम ऑन पेज नंबर 7.2। एवरीवन कम ऑन पेज नंबर 7.2। तो अब मैं आईटी एक्ट शुरू करूं, उसके पहले इसका कंसेप्ट समझना जरूरी है। देखिए, आईटी एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन कंसेप्ट क्या था, आप सब मेरे को बताइए, राइट? बड़ा सिंपल था सर। आईटी एक्ट जब आया था तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था ई गवर्नेंस प्रमोट करना। क्या प्रमोट करना? ई गवर्नेंस। व्हाट डू आई मीन बाय ई गवर्नेंस सर?
सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे कि अभी आप रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फाइल कर रहे हैं, पहले फिजिकल रिटर्न्स फाइल होते थे। जो आपने सपोज एडवांस पेमेंट ज्यादा किया है तो रिफंड आ रहा है, रिफंड कैसे आ रहा है सर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ रहा है। तो सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होनी चाहिए, चाहे वो साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स हो, चाहे वो रिक्वेस्ट फॉर सब्सिडीज हो, कोई भी चीज हो रही है सर, हमारी कोशिश ये रहेगी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वे में हो। और ये फोकस कर रहा था आपका आईटी एक्ट, आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। बट इंसिडेंटली क्या हुआ सर, बहुत सारे साइबर रिलेटेड फ्रॉड्स भी होने लगे, राइट, साइबर अटैक्स भी होने लगे। तो फिर आईटी एक्ट में अपन ने वो भी चीजें क्या कर ली, कवर कर लिए। तो बट मेन कोर ऑब्जेक्टिव समझना सर, कोर ऑब्जेक्टिव एक ये ई गवर्नेंस को प्रमोट करना। बट क्योंकि इंसिडेंटली फ्रॉड्स अटैक्स होने लगे तो उससे रिलेटेड भी अपने एरियाज क्या कर लिए, आईटी एक्ट में काफी कवर कर लिए। तो ये था आपका एक इंट्रोडक्शन, राइट। चलिए पढ़ते 1.1 क्या लिखा हुआ इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव में। इंट्रोडक्शन 7.2 पॉइंट नंबर 1.1 इंट्रोडक्शन, द आईटी एक्ट वॉज इनेक्टेड ऑन 17th May 2000। सर 2000 में आया है आपका आईटी एक्ट, प्राइमरली टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस एंड फैसिलिटेट ई कॉमर्स। देखो वही चीज बोल रहा हूँ, हर वे में अपन इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को प्रमोट करना चाहते थे, इलेक्ट्रॉनिक वे में चीज़ों को, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इंश्योर करना चाहते थे, इलेक्ट्रॉनिक वे में चीज़ों को करना चाहते थे। तो वही उनने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, द आईटी एक्ट वॉज अमेंडेड बाई पासिंग आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008। तो मतलब ये अमेंड हुआ है 2008 में, जो कि इफेक्टिव हुआ था 27th October 2009 से। बट एक चीज समझना, ये जो अमेंडमेंट्स है कोई मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है, जिससे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एक्ट था 2000 का उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है, मेनली एडिशंस किए गए। क्या किए गए सर, एडिशंस किए गए। आई होप यू गेटिंग पॉइंट, फाइन। अब पहला पॉइंट आ रहा है, एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन मार्केट इज इंपॉर्टेंट इन केस स्टडी क्वेश्चन। मार्क एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन, द आईटी एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। सर्कल द वर्ड होल ऑफ इंडिया, मतलब आईटी एक्ट सर पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। कोई भी आप स्टेट ले लो, कोई भी आप सिटी ले लो, इंडिया बोला मतलब पूरे इंडिया में क्या है, एप्लीकेबल है। एंड ऑल्सो अप्लाइज टू ऑफेंसेस और कॉन्ट्रोवेंशन। देखिए ऑफेंसेस के आप ऊपर लिख सकते हैं क्रिमिनल, कॉन्ट्रोवेंशन के ऊपर लिख सकते हैं सिविल। ये आप देखिए, अगेन मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि आपके बुक्स में कवर्ड नहीं है ना, रिक्वायर्ड एट दिस लेवल, राइट। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक पॉइंट्स और उसके साथ में आपको चैप्टर आगे चलना है, चलना चाहिए आपका, उसमें ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो ऑफेंसेस जनरली क्रिमिनल मैटर्स के लिए होता है, क्रिमिनल मैटर्स वो मैटर्स होते हैं जिसमें सर आपको क्या हो सकती है, जेल हो सकती है। एंड सिविल मैटर्स में जनरली जेल नहीं होती, जेल नहीं होती। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो वही लिखा हुआ है, इट अप्लाइज टू ऑफेंसेस और कॉन्ट्रोवेंशन देयर अंडर कमिटेड आउटसाइड इंडिया व्हेन रेड विद सेक्शन 75। मतलब समझ लो सर, पूरा इंडिया तो कवर हो ही रहा है लेकिन आउटसाइड इंडिया भी कवर होगा जब आप उसे सेक्शन 75 के साथ रीड करोगे, राइट। तो अब सेक्शन 75 क्या बोलता है वो मैंने नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिख के दिया है। देखो क्या बोल रहा है, द एक्ट अप्लाइज टू ऑफेंसेस और कॉन्ट्रोवेंशंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। सर अगर कोई ऑफेंस या कॉन्ट्रोवेंशन आउटसाइड इंडिया कमिट हो रहा है तो भी एक्ट उस आदमी को अप्लाई होगा। कब, व्हेन, बाय एनी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी इफ सच एक्ट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर्स, कंप्यूटर सिस्टम्स लोकेटेड इन इंडिया। सर अगर लोकेटेड इंडिया में है आपकी जो कंप्यूटर रिसोर्सेज जिनके थ्रू अटैक किया गया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी, अगर वो यूज कर रहे सिस्टम्स को जो लोकेटेड इंडिया में है, तो फिर तो सर वो एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा, एज सिंपल एज दैट। चलिए क्विकली एक बार वापस से पूरा रीड करते, एक सेकेंड पॉइंट को क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है, द एक्ट अप्लाइज टू ऑफेंसेस और कॉन्ट्रोवेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर हो रहे कॉन्ट्रोवेंशन या ऑफेंसेस बाय एनी पर्सन, कोई भी आदमी कर रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी, मतलब यहां पे नेशनलिटी से मतलब नहीं है। तो सर्कल द वर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी इफ सच एक्ट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। मतलब सर अगर इंडिया में कोई भी सिस्टम है लोकेटेड और उसे यूज करके कोई ऑफेंस कर रहा है आउटसाइड इंडिया, तो वो भी वो आईटी एक्ट में कवर होगा, एज सिंपल एज दैट। और इसके साथ पॉइंट क्या होता है, कंप्लीट होता है, राइट। आने की चांसेस इतने नहीं है लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, केस स्टडी के फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है तो लर्न होना चाहिए। पूरे इंडिया में तो कहीं भी हो रहा है एक्ट कवर हो गई होगा, कहीं बाहर भी एक्ट हो रहा है तो वो भी कवर होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी। कब, जब रिसोर्सेज जो यूज किए जा रहे हैं वो एक्ट को करने के लिए वो कहां पे लोकेटेड है, इंडिया में। बस इतना पता चलना चाहिए, काम खत्म हो जाएगा। चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईटी एक्ट आर गिवन एज फॉलोज। फर्स्ट,
टू ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन। अब एक चीज समझ लेना, मैंने आपको बताया था सर हमारे को सारी जो भी इलेक्ट्रॉनिक वे में चीजें हो सकती है उसे लीगल रिकॉग्निशन देना है। तो आपको सर्कल करना है फर्स्ट पॉइंट में लीगल रिकॉग्निशन। एवरीवन सर्कल द पॉइंट लीगल रिकॉग्निशन फॉर ट्रांजैक्शंस कैरीड आउट बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एंड अदर मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन रेफर्ड टू एज ई कॉमर्स। मतलब सर अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो हो रहा है राइट, इलेक्ट्रॉनिकली जो भी बाइंग या सेलिंग की एक्टिविटीज हो रही है वो सब क्या है सर, वैलिड है अंडर लॉ। पहले वो वैलिड नहीं थी आई टी एक्ट के पहले, बट अब वो वैलिड है। दैट्स इट। मैंने आपको पहले बताया था, देखिए कोर्ट ऑफ लॉ में पहले सिर्फ फिजिकल एविडेंसेस चलते थे या ओरल एविडेंस चलते थे, लेकिन आई टी एक्ट के आने के बाद अब डिजिटल एविडेंसेस भी क्या सर वैलिड है कोर्ट में। दैट्स द मेन पॉइंट। तो वो क्यों वैलिड है, क्योंकि अपन ने लीगल रिकॉग्निशन दिया है। किसे लीगल रिकॉग्निशन दिया है, सारे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज को एंड ई कॉमर्स को। तो लर्न आपको क्या करना है, लीगल रिकॉग्निशन सर्कल करना, फिर हाईलाइट कर लेना इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया है एंड ई कॉमर्स। एंड क्या रहा है, ई कॉमर्स। गेटिंग माय पॉइंट। सेकंड पॉइंट, टू गिव लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और मैटर विच रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन अंडर लॉ। देखिए पहले आप साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे कर रहे थे, मैनुअली कर रहे थे। अब अपन कैसे कर रहे हैं, यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। आपने रिटर्न्स फाइल किए होंगे सबने, जब भी आप रिटर्न्स फाइल कर रहे थे तो डिजिटली साइन कर रहे होंगे रिटर्न्स को, राइट और रॉन्ग। तो पहले कैसे कर रहे थे, फिजिकल, जब फॉर्म में रिटर्न जा रहा था फिजिकल साइन था, अब कौन सा हो रहा है सर, डिजिटल साइन हो रहा है। तो दैट्स द कंसेप्ट सर। अब हमने डिजिटल सिग्नेचर को भी क्या दे दिया, लीगल रिकॉग्निशन दे दिया। तो सेकंड पॉइंट में भी हाईलाइट करना, लीगल रिकॉग्निशन एंड डिजिटल सिग्नेचर। अब द की पॉइंट इज, ये डिजिटल सिग्नेचर वर्क करता कैसे, वो मैं पूरा आपको आने वाले अभी लेक्चर्स में समझाने वाला हूँ कि कैसे डीएस वर्क करता है। तो अभी बस उस पर हॉल्ट रखिएगा, बस ये समझ लीजिएगा कि हाँ डिजिटल सिग्नेचर भी क्या है, वैलिड है कोर्ट में। गेटिंग माय पॉइंट। चलते हैं आगे थर्ड पॉइंट, टू गिव लीगल रिकॉग्निशन फॉर कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय बैंकर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो भी बैंकर्स है अब वो बुक्स को कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। पहले फिजिकल फॉर्म में रखते थे, बट आफ्टर आईटी एक्ट दे कैन कीप इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। टू फैसिलिटेट एंड गिव लीगल सैंक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बिटवीन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो भी सेटलमेंट्स हो रहा है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, अब वो कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। वही चीज लिखी हुई है। तो समझना स्टूडेंट्स, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक 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 सारी चीजें जो भी हो रही है अब कैसे हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकती है, और उसे अपन लीगल रिकॉग्निशन दे रहे हैं थ्रू दिस एक्ट। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। आगे क्या बोल रहा है, टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। देखिए अभी अपन रिटर्न फाइल कर ही रहे, कैसे कर रहे सर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहे हैं, तो वो भी फैसिलिटेट करें। एंड फाइनली आज आप देखोगे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी कैसे रख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख रहे हो। तो लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डेटा। एंड देखिए जो भी एक्ट पहले कभी कोई चीज़ बोल रहा था कि मैनुअली करना जरूरी है, तो आई टी एक्ट के आने के बाद उसे भी अपन को क्या करना जरूरी है, अमेंड करना जरूरी है। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। से फॉर एग्जांपल पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से सिर्फ फिजिकल एंड ओरल एविडेंसेस वैलिड थे, लेकिन जैसे ही अपन ने आई टी एक्ट को लेके आया कौन सा वैलिड हो गया, डिजिटल एविडेंस भी वैलिड हो गया। तो मैंने जैसे ही आईटी एक्ट को लेके आया हूं, मेरे को इंडियन एविडेंस एक्ट को भी क्या करना पड़ा, अमेंड करना पड़ा। तो सिमिलरली मैंने अमेंड कौन-कौन से एक्ट्स को किया, देखो आपको मिलेगा आईपीसी, इंडियन पिनल कोड एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। मतलब जो भी एक्ट्स इस एक्ट से, दैट इज आईटी एक्ट से अफेक्ट हो रहे थे, उनमें मैंने रिलेवेंट क्या कर लिए, अमेंडमेंट्स कर लिए। तो आई होप स्टूडेंट्स यू आर वेरी क्लियर विद द ऑब्जेक्टिव्स। ये 6 मार्क का क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं सर, सुन लेना कि ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईटी एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। हर चीज में फोकस एक ही चीज पे कि कैसे हम सारी चीजों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर सकते हैं या उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को अपन लीगली वैलिड मान रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, एक क्विक रिवीजन कर लो, ईडीआई दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एंड ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिकली वैलिड माना, लीगल रिकॉग्निशन दिया। सेकंड पॉइंट में डिजिटल सिग्नेचर को लीगल रिकॉग्निशन दिया। थर्ड में बैंकर्स को बोला कि अब आप बैंकर्स भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बुक्स को स्टोर कर सकते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे, फाइनल सेटलमेंट्स हो रहे बिटवीन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के फॉर्म में हो रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कोई भी चीज़ फाइल करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर सकते हैं। अगर आप अपनी खुद की बुक स्टोर करना चाहते हैं, तो आप भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपनी बुक्स को स्टोर कर सकते हैं। एंड फाइनली जो भी एक्ट्स हैं जो जिन्हें अमेंड करना जरूरी है बिकॉज ऑफ आईटी एक्ट, तो उन एक्ट्स को भी हमने क्या किया, अमेंड किया है। और इसके साथ में मैंने पूरे आपके ऑब्जेक्टिव्स कवर किए स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है। क्विकली आप एक बार रिवाइज कर लो एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, फिर अपन लेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज गोइंग टू बी की डेफिनेशंस, राइट। शुरू करिए पढ़ना स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आप सब कंफर्टेबल है। अब
की डेफिनेशंस को पढ़ने के पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि एक्चुअली डिजिटल सिग्नेचर कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, कंसेप्ट को समझ लेना है स्टूडेंट्स अच्छे से, तो अपने आप जो एक आंसर आएगा पूरा हाउ डिजिटल सिग्नेचर इज क्रिएटेड वो आप समझ पाओगे, राइट? शुरू करते हैं, कंसेप्ट समझना तो देखिए कैसा है। से फॉर एग्जाम्पल आज मुझे किसी को कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है और उसे डिजिटली साइन करना है। क्या करना है? डिजिटली साइन करना है। तो कैसे अपन डिजिटली साइन करके उसे सेंड करेंगे उसका पूरा कंसेप्ट समझना है। तो एक चीज बताओ, जब भी आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है या एग्रीमेंट बनता है जिस पे आप साइन करते हो, जब भी आप साइन करते हो दो चीजें क्या इंश्योर करना चाहते हो आप, मेन दो चीजें क्या इंश्योर करना चाहते हो? पहला होता है ऑथेंटिसिटी के, हाँ मैं साइन कर रहा हूं, मैं आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा हूं, दैट इज यू ट्राइंग टू प्रूव योरसेल्फ कि हाँ मैं ही आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा हूं, दैट इज योर ऑथेंटिसिटी। एंड सेकंड जो मेन चीज होती है वो होती है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब एक बार साइन कर दिया एग्रीमेंट फिर उसमें कोई भी चेंजेस हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सपोज आपने देखा होगा कभी कहीं पे कोई चीज कट करके अपन चेंज करते तो वहां भी वापस आप सिग्नेचर करते हो। क्यों करते हो? ये इंश्योर करने के लिए कि ये जो भी चेंजेस हुए हैं वो आपके ध्यान में ध्यान को रखते हुए, यू आर नॉट इग्नोरेंट ऑफ द सेम, आर यू गेटिंग मी पॉइंट? तो अगर मैं बोलता हूं सिग्नेचर का दो मेन फंक्शन आपके लिए क्या हुआ, पहला तो हो गया टू इंश्योर ऑथेंटिसिटी एंड दूसरा हो गया टू एंश्योर इंटीग्रिटी। क्या सबको इतना समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, राइट? अगेन एक बार लास्ट टाइम समझ लो कि अगर आप एग्रीमेंट एंटर कर रहे हो तो आप अपना जो साइन करते हो वो साइन क्यों करते हो? दो चीज इंश्योर करने के लिए, ये बताने के लिए कि हाँ मैं होशो आवाज में कोई डॉक्यूमेंट को साइन कर रहा हूँ, दैट इज ऑथेंटिसिटी प्रूव कर रहे हो, दैट इज मैं ही साइन कर रहा हूँ, मेरे अलावा कोई और साइन नहीं कर रहा, मैं ही वो पर्सन हूँ जो आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा हूँ, दैट इज वॉट योर ऑथेंटिसिटी। और एक बार कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया तो उसमें फिर कोई हम चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दैट इज वॉट योर इंटीग्रिटी। अब यही सेम दोनों चीजें अपन डिजिटल सिग्नेचर मतलब जब अपन इलेक्ट्रॉनिकली कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो कैसे इंश्योर करेंगे, वो दोनों चीजें जो इंश्योर करना है वो पूरा डिजिटल सिग्नेचर का प्रोसेस अपन को समझाएगा, राइट? तो आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। डीएस को भी अभी अपन जब समझेंगे तो मेन फोकस दो पॉइंट्स पे होगा, पहला रहने वाला है ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। सपोज अब मेरे को एक डॉक्यूमेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो साइन करके किसी और को भेजना है, मतलब समझ लेना मैं जस्ट लिख रहा हूं X को कोई डॉक्यूमेंट साइन करके Y को भेजना है, सब मेरे साथ रहना, X को कोई डॉक्यूमेंट साइन करके Y को भेजना है। कौन है सेंडर? X है सेंडर, आर यू विथ मी? Y क्या है? रिसीवर। तो जो चीज बोल रहा हूं बस वहां पे ध्यान देना, सारी चीजें समझ में आएगा। X को Y को एक डॉक्यूमेंट सेंड करना है साइन करके, आर यू गेटिंग पॉइंट? और द पॉइंट इज एस सेंड, एक्स हुआ सेंडर, Y हुआ रिसीवर। Y कौन हुआ आपका? रिसीवर। तो अब कैसे फंक्शन होगा, कैसे वो साइन चीज होगी, कैसे चीजें चेक की जाएगी, ऑथेंटिसिटी चेक की जाएगी, इंटीग्रिटी चेक की जाएगी। तो फंडा सिंपल है, देखो क्या हो रहा है। X ने जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, समझना है, X का जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसने उस पे एक प्रोसेस रन किया जिसे बोलते हैं हैश फंक्शन। क्या बोलते हैं? हैश फंक्शन, जिससे उसको एक आउटकम मिला, मैसेज डाइजेस्ट। जो चीज मैं बोल रहा हूं वो समझते रहना, समझना। जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उससे अपन ने बाय रनिंग अ प्रोसेस दैट इज हैश फंक्शन वी हैव जनरेटेड अ न्यू वैल्यू। मतलब सर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो एज इट इज इंटैक्ट है ही, लेकिन उस पे जब मैं ये एक फंक्शन रन करता हूं तो उससे मेरे को एक नई वैल्यू मिलती है जिसे मैं बोलता हूं मैसेज डाइजेस्ट। तो कैन आई से रनिंग हैश फंक्शन इज अ प्रोसेस? यस, रनिंग हैश फंक्शन इज व्हाट? अ प्रोसेस। तो इसके नीचे मैंने क्या लिख दिया? प्रोसेस। क्या ये प्रोसेस? और ये प्रोसेस क्यों है? टू एंश्योर इंटीग्रिटी। क्यों है? टू एंश्योर इंटीग्रिटी। वो क्यों? वो मैं अभी आपको आने वाले टाइम में समझाऊंगा। तो वापस से, एक रिकॉर्ड है, आपको एक डॉक्यूमेंट सेंड करना है। डॉक्यूमेंट पे से फॉर एग्जाम्पल ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ध्यान से समझना, ये मेरा क्या है? डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट को मुझे सेंड करना है बट इसकी मुझे इंटीग्रिटी इंश्योर करनी, मतलब इसमें अनऑथराइज चेंजेस होते हैं तो वो मुझे पता चलना चाहिए। तो मैंने क्या किया? इस डॉक्यूमेंट पे एक प्रोसेस रन किया। क्या रन किया? एक प्रोसेस रन किया। और प्रोसेस रन करने से मेरे को एक नया नंबर मिला। मेरे को क्या मिला? एक नया नंबर मिल गया। यहां तक समझ में आना चाहिए। डॉक्यूमेंट पे प्रोसेस रन हुआ, प्रोसेस रन होने से एक नंबर मिला, इस नंबर को क्या बोलते हैं? मैसेज डाइजेस्ट। मतलब क्या मेरा डॉक्यूमेंट इंटैक्ट है? क्या डॉक्यूमेंट मेरे पास अवेलेबल है? हाँ सर, डॉक्यूमेंट को कुछ नहीं हुआ, जैसे पहली जो फाइल थी वैसी की वैसी वो फाइल अवेलेबल है, बट इस फाइल पे वो प्रोसेस रन करने से मुझे एक नया नंबर मिल गया। क्या इतना समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ग्रेट।
अब मेरा पॉइंट समझना, ये जो प्रोसेस है ना, इट्स अ सेट ऑफ एल्गोरिदम। अगर वो एल्गोरिदम कोई भी इस डॉक्यूमेंट पे रन करेगा तो उसे सेम ही नंबर मिलेगा। जो चीज मैं बोल रहा हूं समझना, सपोज ये डॉक्यूमेंट में है ए बी सी, डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, ए बी सी के ऊपर मैंने क्या रन किया, एक प्रोसेस। प्रोसेस करने के बाद मुझे नंबर क्या मिला 1 2 3 क्या मिला नंबर 1 2 3। मतलब मैंने इस डॉक्यूमेंट पे एक प्रोसेस रन किया जिससे एक नंबर मिल गया मुझे 1 2 3। अब सपोज इस डॉक्यूमेंट में कोई नंबर, कोई अल्फाबेट चेंज कर देता है, एबीसी की जगह कर देता है एबीडी, एबीसी की जगह क्या कर दिया एबीडी, तो वापस से वो एल्गोरिदम रन होगा तो जो नंबर मिलेगा फिर वो 1 2 3 नहीं होगा, वो नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल 2 3 4, फंडा समझ में आ रहा है, नंबर क्या मिलेगा 2 3 4। मतलब इट्स लाइक दिस प्रोसेस इज लाइक अ कैलकुलेटर। अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 25 कोई भी कैलकुलेटर पर निकालो तो आंसर क्या मिलेगा 5। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट का एक प्रोसेस होता है, एक सेट ऑफ एल्गोरिदम है, अगर वो आप करोगे तो आपको जो भी नंबर होगा उसी का वो आंसर मिलेगा। मतलब अगर इसमें मेरा 25 है तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू 5। समझ में आ रहा है प्रोसेस के बाद? जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सपोज नंबर कितना था, वैल्यू क्या है 25, तो जैसे ही मैं इस पर हैश फंक्शन रन करूंगा तो क्या मिलेगा 5। लेकिन किसी ने नंबर चेंज कर दिया, यहाँ पे लिख दिया 26, या समझ लो किसी ने लिख दिया 49, तो जब भी प्रोसेस रन होगा तो यहां पे क्या मिलेगा 7 मिलेगा। इतना समझ में आना चाहिए। आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल, राइट? तो एक बार फाइनल टाइम बता रहा हूं, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट मुझे सेंड करना है, डॉक्यूमेंट पे मैंने एक प्रोसेस रन किया, प्रोसेस रन करने से डॉक्यूमेंट से एक नया नंबर जनरेट हुआ जो कि ये है, एंड डॉक्यूमेंट एज इट इज इंटैक्ट है। तो अभी थोड़ी देर के लिए डॉक्यूमेंट को साइड में रखते हैं, मतलब ये डॉक्यूमेंट एज इट इज रहा और मेरे पास एक नया नंबर आया जिसे बोला गया मैसेज डाइजेस्ट, और अब मैं इस नंबर पे क्या करूंगा, वर्क करूंगा। तो सब मेरे साथ वापस से यहां पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज इट इज रहा, एक और रिकॉर्ड पे मेरे हैश फंक्शन रन किया था तो उसे मुझे मिला एक नया नंबर जिसे क्या बोला गया मैसेज डाइजेस्ट। कंफर्टेबल टेल हियर? सर ये हैश फंक्शन क्यों रन किया, टू एंश्योर इंटीग्रिटी। वो कैसे कर रहे हैं वो आगे पता चलेगा, चलते हैं आगे। अब आप सब ने दो की सुनी होगी, प्राइवेट की एंड पब्लिक की, राइट? प्राइवेट की हमेशा प्राइवेट रहनी जरूरी है, मतलब वो कभी भी पब्लिक के पास नहीं आएगी। तो अब आप क्या हो, सेंडर हो, आपको ये बताना है कि हाँ मैं ही हूं जिसने ये डॉक्यूमेंट साइन किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप क्या हो, सेंडर हो, आपको ये बताना है कि हाँ मैं ही हूं जिसने डॉक्यूमेंट साइन किया है। तो आप कौन सी की से साइन करोगे, आप प्राइवेट की से साइन करोगे। कौन सी की से साइन करोगे, प्राइवेट की से साइन करोगे। तो देखिए मैंने मैसेज जो डाइजेस्ट आया था, पता चल रहा है सबको, मेरे पास क्या आया था, मैसेज डाइजेस्ट आया था, उस पर मैंने प्राइवेट की रन करी, और जैसे ही मैं प्राइवेट की रन करता हूं, प्राइवेट की जब भी रन करता हूं मतलब उसे क्या करता हूं, एनक्रिप्ट करता हूं, तो मुझे क्या मिलता है, डिजिटल सिग्नेचर मिलता है। तो आई होप पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से अपन ने डिराइव किया हैश फंक्शन, डिराइव किया, कन्वर्ट नहीं किया, देखो समझ लेना हां, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से डिराइव किया अपन ने मैसेज डाइजेस्ट यूजिंग हैश फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को मैंने कन्वर्ट नहीं किया मैसेज डाइजेस्ट में। कन्वर्ट करने में और डिराइव करने में डिफरेंस होता है। डिराइव जब भी करता हूं तो ओरिजिनल मैसेज इंटैक्ट रहता है, कन्वर्ट जब भी करता हूं तो ओरिजिनल मैसेज कभी भी इंटैक्ट नहीं रहेगा। कंफर्टेबल चलिए, तो मैंने डिराइव किया मैसेज डाइजेस्ट जिस पे सेंडर ने खुद की प्राइवेट की रन करी, और ये प्राइवेट की जब भी रन करता है क्या इंश्योर कर रहा है, ऑथेंटिसिटी। क्या इंश्योर कर रहा है, ऑथेंटिसिटी, मतलब वो बता रहा है कि हाँ मैं ही हूं जिसने ये मैसेज सेंड किया है, साइन किया है। कंफर्टेबल? प्राइवेट की हमेशा सेंडर के पास ही होगी और वो बताएगा कि हाँ मैं ही हूं जो ये सेंड कर रहा है। तो देखिए उसने प्राइवेट की रन की तो जिसका आउटकम क्या आया, डिजिटल सिग्नेचर। तो एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस बताइए क्या क्या अपने पास अवेलेबल है। देखो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो ऑरिजिनली था वो तो अवेलेबल है ही, और जो अपन ने फिर स्टेप वन के साथ में हैश फंक्शन मैसेज डाइजेस्ट प्राइवेट की से अपन को क्या मिला, डिजिटल सिग्नेचर मिला। मतलब प्रोसेस के बाद में दो चीजें अपने पास आ रही है, एक तो एज इट इज आ रहा है पूरा डिजिटल सिग्नेचर, और एक आ रहा है अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। देखिए एक तो क्या आ रहा है, डिजिटल सिग्नेचर, और एक क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो जो रिसीवर है उसके पास में दो चीजें जा रही है,
एक तो जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और दूसरा जा रहा है डिजिटल सिग्नेचर। आई होप स्टूडेंट्स स्टिल हियर, यू आर कंफर्टेबल राइट। तो जब भी आप रिटर्न भी फाइल करते हैं, आपने सबने प्राइवेट की रन की होगी तो रिटर्न तो आपका जा ही रहा है, लेकिन जब आप प्राइवेट की ये पूरे प्रोसेस के साथ रन करते तो एक डिजिटल सिग्नेचर भी जनरेट होता है जो रिटर्न के साथ में जाता है कहां पे, रिसीवर के पास में। अब रिसीवर के पास में क्या क्या एक्टिविटीज होगी वो अपन को ध्यान से समझना जरूरी है। तो समझते हैं रिसीवर के यहां पे क्या होगा। सर रिसीवर सबसे पहले जो डिजिटल सिग्नेचर रिसीव कर रहा है उस पे पब्लिक की रन करेगा। देखिए प्राइवेट की एनक्रिप्ट करने के लिए होती है, पब्लिक की डिक्रिप्ट करने के लिए होती है। तो उसने क्या रन किया, पब्लिक की रन किया। तो जैसे ही अपन ने मैसेज आया जिस पे प्राइवेट की रन किया तो क्या मिला था, डीएस। तो डीएस पे मैं अगर पब्लिक की रन करता हूं तो वापस से क्या मिलेगा, मैसेज डाइजेस्ट। मतलब ए को अगर मैं एनक्रिप्ट करता हूं तो मिलता है बी, और बी को अगर मैं डिक्रिप्ट करता हूं तो वापस क्या मिल जाएगा, ए। तो समझ लीजिए जैसे ही मैं डीएस पे वापस पब्लिक की रन कर रहा हूं मुझे मिल रहा है मैसेज डाइजेस्ट। प्लस मैंने बोला मेरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी एज इट इज जा ही रहा है साथ में, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे भी रिसीवर ने क्या रन किया, हैश फंक्शन। और जैसे ही वो हैश फंक्शन रन करेगा उसे क्या मिलेगा, मैसेज डाइजेस्ट। द पॉइंट इज दोनों मैसेज डाइजेस्ट सेम होने चाहिए। अगर दोनों सेम हो रहे मतलब इंटीग्रिटी इंश्योर हो रही है। सपोज अगर मैंने डॉक्यूमेंट किसी भी कम्युनिकेशन चैनल पे सेंड किया है और किसी ने डॉक्यूमेंट के साथ टैम्परिंग करी, डॉक्यूमेंट के साथ क्या किया, चेंजेस किया, तो समझिए जब ये डॉक्यूमेंट जा रहा है और ये डॉक्यूमेंट जाते वक्त चेंज हो रहा है तो जब भी मैं हैश फंक्शन रन करूंगा तो मैसेज डाइजेस्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था अगर स्क्वायर रूट अगर 25 भेज रहा हूं तो अगर मैं उस पर हैश फंक्शन रन करता हूं तो आएगा 5, लेकिन अगर किसी ने चेंज करके 49 कर दिया तो स्क्वायर रूट करते क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। जो कंसेप्ट बोल रहा हूं समझना, मतलब सर यहां पे क्या हो रहा है, मैसेज डाइजेस्ट सेम नहीं होगा अगर किसके साथ टैम्परिंग हुई, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ टैम्परिंग हुई है। इसका मतलब इंटीग्रिटी इंश्योर नहीं हो रही और इमीडिएटली जो आपका पूरा प्रोसेस हुआ है डिजिटल सिग्नेचर आपने सेंड किया वो क्या हो जाएगा, इनवैलिडेट हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आइज आप सब कंसेप्ट को समझ रहे हैं और क्लियर हो रहा है। अब पॉइंट समझिए, जब रिसीवर पब्लिक की से डिक्रिप्ट करता है, जब रिसीवर पब्लिक की से डिक्रिप्ट करता है और डिक्रिप्ट में सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब हां सर प्रॉपरली सेंडर ने ऑथेंटिकेट किया था बाय साइनिंग व्हाट, बाय साइनिंग विद प्राइवेट की, तो उसे एक ऑथेंटिसिटी भी क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। अब पॉइंट ये आता है, समझिएगा पॉइंट ये आता है कि पब्लिक की रिसीवर के पास पहुंचती कैसे है, राइट। क्योंकि अगर रिसीवर को डिक्रिप्ट करना है, डिक्रिप्ट करने के लिए चाहिए पब्लिक की, तो वो जाती किस में, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में। किसके थ्रू जाती है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, और जो आपने सुना होगा DSC, सुना है या नहीं सबने, DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब इसका क्या फंडा है वो समझाता हूं। देखिए एक्स सेंड कर रहा है डॉक्यूमेंट साइन करके वाई को, बट वाई बोलता है कि मैं कैसे मान लूं कि आप ही हो जिसने प्राइवेट की से, जिसने प्राइवेट की से साइन किया वो आप ही हो, मैं आप पे कैसे ट्रस्ट कर लूं। वाई बोलता है एक्स को मैंने आपको कभी देखा नहीं, एक्स बोलता है वाई को मैंने आपको कभी देखा नहीं। तो वो दोनों फाइनली क्या कंक्लूड करते हैं, चलो एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी को लेके आते हैं जो जो क्या करेगा, आपकी ऑथेंटिसिटी प्रूव करेगा, राइट। तो अपन किसको लेके आते हैं, सर्टिफिकेट अथॉरिटी को लेके आते हैं। किसे लेके आते हैं, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। आई होप आप सबको पता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन होते हैं। एग्जांपल TCS ले लो, क्या ले लो, TCS क्या है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो बेसिकली एक्स क्या करता है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है, जो भी आइडेंटिफिकेशन के प्रूफ्स होते हैं, से फॉर एग्जांपल आधार कार्ड वगैरह, लेके जाते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास और बोलता है कि आप मेरे को सर्टिफाई करिए कि ये मैं ही हूं जिसका की पेयर है, राइट। तो क्या करता है, जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो आपसे रिक्वायर्ड प्रूफ लेता है और एक DSC बनाता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसमें आपका नाम होता है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी का नाम होता है और पब्लिक की का से फॉर एग्जांपल नंबर होता है, क्या होता है, पब्लिक की नंबर होता है। और वो आपको ये दे देता है, किसको, एक्स को दे देता है जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है DSC। फिर एक्स क्या करता है, वाई को वो DSC सेंड करता है और जब भी वाई DSC देखता है तो उसमें उसे मिलता है कि हाँ ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने सर्टिफाई किया है कि जो पर्सन मुझे DSC भेज रहा है वो एक्स ही है। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है DSC का, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का, राइट। कौन बनाता है DSC, सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनाता है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी बना के किसे देता है, एक्स को, और एक्स को अपन क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर। क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर, क्योंकि उसने DSC सब्सक्राइब किया, राइट, सब्सक्राइब कर रहा है किससे, सर्टिफाइंग अथॉरिटी से। तो ये पूरा कंसेप्ट है डिजिटल सिग्नेचर का एंड आई होप आपको काफी क्लैरिटी आई होगी, समझ में आया होगा कैसे DSC फंक्शन करता है, राइट।
एक फाइनल टाइम अपन देख लेते हैं कैसी चीज़ें वर्क करी और फिर इसे कंक्लूड करेंगे। बट उसके पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, इज डिजिटल सिग्नेचर यूनिक टू एन इंडिविजुअल? इज डिजिटल सिग्नेचर यूनिक टू एन इंडिविजुअल? जब भी मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ मेजॉरिटी स्टूडेंट्स बोलते हैं ये सर डिजिटल सिग्नेचर इज यूनिक टू एन इंडिविजुअल, बट गलत है सर। डिजिटल सिग्नेचर इज यूनिक टू अ सब्सक्राइबर, इज यूनिक टू अ सब्सक्राइबर, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो समझना, सॉरी यूनिक टू अ रिकॉर्ड। इट इज डिजिटल सिग्नेचर इज यूनिक टू अ रिकॉर्ड। कैसे सर वो चीज़ समझना, जब मैं डिजिटल सिग्नेचर निकाल रहा हूं तो वो निकल कैसे रहा है? जो मेरे पास मैसेज डाइजेस्ट आ रहा है जो कि आया था किससे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से, जब मैं मैसेज डाइजेस्ट को प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करता हूं तब मिलता है मेरे को डिजिटल सिग्नेचर। अगर सर ओरिजिनल रिकॉर्ड चेंज होता है, मैं जो बोल रहा हूं वो समझना, अगर मेरा ओरिजिनल रिकॉर्ड चेंज होता है तो रिकॉर्ड चेंज होने के साथ मैसेज डाइजेस्ट भी क्या होगा, चेंज होगा। मैसेज डाइजेस्ट चेंज होगा तो डिजिटल सिग्नेचर भी क्या होगा सर, चेंज होगा। बिकॉज डिजिटल सिग्नेचर और कुछ भी नहीं क्या, एनक्रिप्टेड मैसेज डाइजेस्ट। मैं लिख सकता हूं व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर, इट इज एनक्रिप्टेड मैसेज डाइजेस्ट। तो अगर मैसेज डाइजेस्ट चेंज होता है तो सर डिजिटल सिग्नेचर भी चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत जनरली स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है, क्लैरिटी नहीं होती। तो अभी मैंने आपको प्रोवाइड की डिजिटल सिग्नेचर इज यूनिक टू अ रिकॉर्ड। व्हाट, तो फिर क्वेश्चन आता है सर फिर इंडिविजुअल के लिए यूनिक क्या है? तो व्हाट इज यूनिक टू एन इंडिविजुअल इज प्राइवेट की। जो प्राइवेट की एक इंडिविजुअल के पास है, सेम प्राइवेट की कभी भी किसी और इंडिविजुअल के पास में नहीं होगी। तो ये याद रखना सर, व्हाट इज यूनिक टू एन इंडिविजुअल, प्राइवेट की इज यूनिक टू एन इंडिविजुअल, एंड डिजिटल सिग्नेचर इज यूनिक टू अ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड चेंज, डीएस चेंज। कंफर्टेबल? चलो क्विकली एक बार अपन क्विकली रिवाइज कर लेते और कंप्लीट करते मेन कंसेप्ट अपना, राइट? तो क्या था सर, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड था जिसे मैंने मुझे डिजिटली साइन करना था। मैंने उस पर क्या रन किया, एक हैश फंक्शन किया, रन हैश फंक्शन रन किया। तो उससे मुझे क्या मिला, मैंने क्या डिराइव किया, मैंने डिराइव किया एक मैसेज डाइजेस्ट, और ओरिजिनल रिकॉर्ड तो मेरे पास इंटैक्ट है। तो देखो ये तो है मेरा प्रोसेस पॉइंट वन, और ये यहाँ पे पॉइंट टू मेरा चल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब पॉइंट वन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो इंटैक्ट है और उसके साथ मैंने हैश फंक्शन रन किया, तो मेरे को क्या मिल रहा है, एक मैसेज डाइजेस्ट जिस पे मैं क्या रन कर रहा हूं, प्राइवेट की, और प्राइवेट की रन करने से मुझे क्या मिल रहा है, डिजिटल सिग्नेचर। अब रिसीवर के पास में दो चीजें जा रही है, पहली चीज क्या जा रही है, एक तो जा रही है डिजिटल सिग्नेचर और दूसरा क्या जा रहा है, रिकॉर्ड एज इट इज। जो डिजिटल सिग्नेचर जा रहा है उस पर वो क्या रन करेगा, पब्लिक की। पब्लिक की रिसीवर को किससे मिलेगी, डीएससी से मिलेगी। किससे मिलेगी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से मिलेगी। जो किसने सेंड किया, सेंडर ने रिसीवर को सेंड किया है, तो वो यूजिंग पब्लिक की क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा किसे, डिजिटल सिग्नेचर को। जैसे ही वो डिक्रिप्ट करता है उसे क्या मिलेगा सर, मैसेज डाइजेस्ट। और पैरेलल दूसरा प्रोसेस रिसीवर क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उसे मिला है उस पर वो रन करेगा हैश फंक्शन। जैसे ही हैश फंक्शन वो रन करता है उसे वापस से क्या मिलेगा, मैसेज डाइजेस्ट। और दोनों का होना सेम होना जरूरी है, अगर सेम है मतलब इंटीग्रिटी इंश्योर्ड है, डीएस वैलिडेट हो जाएगा, और अगर सेम नहीं है मतलब सर कहीं ना कहीं टैम्परिंग की गई है और डीएस इनवैलिड हो जाएगा। आई होप यू ऑल आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर। चलिए एक बार मैं आपको ये पूरा पढ़ के वापस से बता देता हूं जहां पे लिखा हुआ है ताकि आप कॉन्सेप्चुअली समझ सके, ठीक है? एक बार मैं रीड करता हूं फिर आपको टाइम दूंगा, आप सब ये जरूर नोट कर लीजिएगा। अगर एग्जाम में पूछते हैं हाउ डीएस फंक्शंस, ये लिखना, ये ड्रॉ करना, इससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी रिफ्लेक्ट होगी कि हाँ स्टूडेंट्स को हर चीज की परफेक्ट नॉलेज है। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। स्टूडेंट्स अभी तक तो बहुत जनरल आया था इसका, मैं ये पहला मैं बोल सकता हूँ कुछ टेक्निकल पॉइंट है जिसे आपको अच्छे से समझना जरूरी है क्योंकि ये आपकी फील्ड से भी रिलेट करता है, राइट? तो आइए सब मेरे साथ एक बार पेज नंबर 7.4 पे सब आएंगे। कौन से पेज पे, पेज नंबर 7.4 पे, 1.3 डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सबको मिल रहा है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं क्या लिखा है, हाउ डिजिटल सिग्नेचर इज क्रिएटेड। क्या लिखा है, द डिजिटल सिग्नेचर इज क्रिएटेड इन टू डिस्टिंक्ट स्टेप्स। फर्स्ट सब मेरे साथ होना, पेज नंबर 7.4, पॉइंट नंबर 1.3। फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, देखना यहां पे मेरे साथ बोर्ड पे भी देखते रहना, राइट? द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज कन्वर्टेड इनटू मैसेज डाइजेस्ट बाय यूजिंग अ मैथमेटिकल फंक्शन नोन एज हैश फंक्शन। सर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कन्वर्ट किया गया है मैसेज डाइजेस्ट में बाय यूजिंग अ मैथमेटिकल फंक्शन नोन एज हैश फंक्शन व्हिच डिजिटली फ्रीजेस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। मतलब मैंने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से एक वैल्यू डिराइव कर लिए, मैंने उसे क्या कर लिया है, फ्रीज कर लिया है, दस एंश्योरिंग इंटीग्रिटी ऑफ द कंटेंट। सो बेसिकली हैश
हैश फंक्शन इज यूज टू इंश्योर वॉट इंटीग्रिटी ऑफ द कंटेंट. सबको यहां तक समझ में आ रहा होगा. अगर कंटेंट के साथ टेम्परिंग होती है तो इमीडिएटली डीएस क्या हो जाएगा, इनवैलिडेट हो जाएगा. मैंने बताया था अगर मैसेज राइजेस वापस से सेम नहीं होते तो इमीडिएटली डीएस क्या हो जाएगा, इनवैलिडेट हो जाएगा. कंफर्टेबल? वो सेकंड पॉइंट बोल रहा है, एनी टेम्परिंग विद द कंटेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विल इमीडिएटली इनवैलिडेट डिजिटल सिग्नेचर. चलते हैं आगे क्या बोल रहा है. सेकेंडली The identity of the person affixing the digital signature is authenticated. देखो जो person affix कर रहा है digital signature, उसकी identity को अपन कैसे authenticate कर रहे हैं. आगे क्या लिखा है, through the use of private key. देखो मैंने private key run किया किस पे, message digest पे, through the use of private key which attaches itself to the message digest. देखना message digest पे क्या आ गई, private key आई, जिससे क्या मिला मेरे को, digital signature which attaches itself to the message digest and which can be verified by anyone who has the public key. मतलब सर ये प्राइवेट की को कौन वेरीफाई कर सकता है, जिसके पास में क्या है, पब्लिक की है. आई होप यू ऑल आर विथ मी. तो आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं, दिस विल अनेबल एनीबॉडी टू वेरीफाई वेदर द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज रिटेन्ड इन इंटैक्ट और हैज बीन टैम्पर्ड. मतलब सर मैंने जब मैसेज सेंड किया, जब भी वो पब्लिक की रन करेगा उसे क्या मिलेगा, मैसेज डाइजेस्ट मिलेगा और वो कंपेयर करके देखेगा कि दोनों मैसेज डाइजेस्ट सेम है. यानी अगर सेम है तो इंटीग्रिटी इंश्योर्ड है, सेम नहीं है मतलब इंटीग्रिटी के साथ टैम्परिंग की गई है. आगे क्या लिखा है, इट विल ऑल्सो अनेबल अ पर्सन हु हैज अ पब्लिक की टू आइडेंटिफाई ओरिजिनेटर ऑफ अ मैसेज. मतलब अगर पब्लिक की से क्या हो रहा है सर, डिक्रिप्ट हो रहा है, तो पब्लिक की मिली किससे, डीएससी से. डीएससी में किसका नाम था सर, सेंडर का नाम था. तो जो रिसीवर है वो वैलिडेट कर सकता है कि हाँ ये मुझे सेंडर नहीं भेजा था. क्यों, क्योंकि मैं ये पब्लिक की से क्या कर सक पा रहा हूं, डिक्रिप्ट कर पा रहा हूं. और ये पूरा कंसेप्ट है किसका, डिजिटल सिग्नेचर का. आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है. एक में की पॉइंट पे फोकस लाना चाहूंगा, समझ लेना. हैश फंक्शन से आप वैल्यू डिराइव करते हो, मतलब ओरिजिनल मैसेज इंटैक्ट रहता है. लेकिन जब आप प्राइवेट की रन करते हो, आप एनक्रिप्ट करते हो, मतलब एक को दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट करते हो, मतलब एक मैसेज को दूसरे मैसेज में कन्वर्ट करते हो. किसमें, एनक्रिप्शन में. तो प्राइवेट की के ऊपर मैं लिख सकता हूं आपके लिए एनक्रिप्शन, जिसे आपको पता रहे. क्या लिख रहा हूं मैं, एनक्रिप्शन, जिसे आपको पता रहे कि सर मैंने मैसेज डाइजेस्ट को कन्वर्ट किया एक नंबर में, जिस नंबर को बोला गया है डिजिटल सिग्नेचर. और यहां पे क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से एक वैल्यू डिराइव की, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कन्वर्ट नहीं किया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से एक वैल्यू डिराइव करी, जिसकी वजह से एक नई वैल्यू मिल रही है और साथ में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो इंटैक्ट ही है. और इसके साथ मैं पूरा डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट कंप्लीट कर रहा हूं. स्टूडेंट्स टेक योर टाइम, अच्छे से इसे नोट करो, रीड करो और फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं. शुरू करिए. चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आप सब कंफर्टेबल होंगे. जो मैंने आपको डीएस समझाया उसके साथ में, वो डीएस का पोर्शन अगेन रिपीट कर रहा हूं, दिया हुआ है पेज नंबर 7.4 पे. पॉइंट नंबर 1.3 था राइट, और 1.3 में अपन ने पढ़ा था पॉइंट नंबर 1, दैट इज हाउ डिजिटल सिग्नेचर इज क्रिएटेड. अब वापस से आप आ जाएंगे पेज नंबर 7.2 पे और आपको मिलेगा पॉइंट नंबर 1.2, दैट इज की डेफिनेशंस. देखिए अराउंड 21 की डेफिनेशंस दी हुई है, ईजी है, समझ में आ जाएगी. मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट जो मार्क करा रहा हूँ वही रीड करूंगा, बाकी सब आप रीड कर सकते हैं अपने आप से राइट. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो मैं करा रहा हूँ वो है एक तो पॉइंट नंबर 2, दैट इज एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम. सब इंपॉर्टेंट करेंगे एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम को, फिर सब इंपॉर्टेंट कर लेना सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को, साइबर कैफे. आपको देखो सीक्वेंस में मिलता जाएगा, पहले पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 10. समय साथ हैं राइट. पॉइंट नंबर 10 के बाद में आप सब हाईलाइट करेंगे पॉइंट नंबर 14, पॉइंट नंबर 15, पॉइंट नंबर 17, पॉइंट नंबर 18 राइट. एंड आप खुद भी पढ़ सकते हैं, दो मैं और बता रहा हूँ, पॉइंट नंबर 19 एंड पॉइंट नंबर 21 राइट. पॉइंट नंबर 15, 17, 18, 19, 20 एंड 21. मैंने आपको थोड़े इंपॉर्टेंट मार्क करा दिए, बाकी आप सब रीड कर लेना. ये भी इनमें से भी मैं सारे नहीं लूंगा, थोड़े की लूंगा जो मेरे को लगता है समझाने बहुत जरूरी, बाकी आप रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा राइट. तो शुरू करते हैं. फर्स्ट क्या रहा है, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम. मतलब समझ लीजिए, मैंने आपको याद करो चैप्टर 3 में एनक्रिप्शन की टेक्निक्स बताई थी, प्राइवेट की एंड पब्लिक की. प्राइवेट की में मैंने बताया था कि सर एक ही की होती है जिससे आप क्रिएट साइन भी करते हो, मतलब एनक्रिप्ट भी करते हो और डिक्रिप्ट भी करते हो. और पब्लिक की में दो कीज होती है, वन इज यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन, वन इज यूज्ड फॉर डिक्रिप्शन राइट. याद आ रहा है सबको? तो जब भी मैं पब्लिक की एनक्रिप्शन की बात कर रहा हूं जिसमें दो कीज यूज की जाती है, कितनी कीज यूज की जाती है, दो कीज, एक
एनक्रिप्शन के लिए और एक डिक्रिप्शन के लिए। तो वो कौन सा होता है आपका? एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। तो देखिए क्या लिखा है, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम मींस अ सिस्टम ऑफ सिक्योर की पेयर। देखो सिक्योर की पेयर, की पेयर मतलब दो की से सिक्योर क्यों है, क्योंकि इस की से मैं ये की डिराइव नहीं कर सकता और ये की से मैं ये की वैल्यू डिराइव नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है बट सिक्योर्ड है। किसी भी एक की से कोई भी आदमी दूसरा की वैल्यू डिराइव नहीं कर सकता। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। चलते हैं आगे। इट मींस अ सिस्टम ऑफ सिक्योर की पेयर कंसिस्टिंग ऑफ अ प्राइवेट की। अब देखिएगा मेरी इसमें डायग्राम में प्राइवेट की से मैं क्या कर रहा हूं, डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट कर रहा हूं और पब्लिक की से मैं क्या कर रहा हूं, डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई कर रहा हूं। तो आगे वही लिखा है, कंसिस्टिंग ऑफ अ प्राइवेट की फॉर क्रिएटिंग डिजिटल सिग्नेचर एंड पब्लिक की टू वेरीफाई डीएस। सबको याद हो रहा होगा सर, प्राइवेट की से हम क्रिएट करें, पब्लिक की से वेरीफाई करें। चलिए ग्रेट। जैसे ही आप पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं उसके बाद इमीडिएटली आप आ जाएंगे पॉइंट नंबर 15 पे। पॉइंट नंबर 15 आपको मिलेगा की पेयर। की पेयर हमेशा किसमें होगा सर? एक क्रिप्टो सिस्टम में, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में। क्यों? क्योंकि उसमें दो कीज है। अभी अपने डेफिनेशन में भी पढ़ा था इट इज अ सिस्टम ऑफ सिक्योर की पेयर, राइट और रॉन्ग। तो अब अपन जो सिक्योर की पेयर पढ़ा था उसमें की पेयर को डिफाइन कर लेते। क्या लिखा है? की पेयर इन एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम मींस अ प्राइवेट की एंड इट्स मैथमेटिकली रिलेटेड पब्लिक की विच आर सो रिलेटेड दैट पब्लिक की कैन वेरीफाई द प्राइवेट की। आर यू विथ मी? द डिजिटल सिग्नेचर क्रिएटेड बाय प्राइवेट की मतलब पब्लिक की क्या कर सकती है? जो भी डीएस क्रिएट किया गया है यूजिंग प्राइवेट की उसे वेरीफाई कर सकते हैं। देखो समझना, पब्लिक की क्या करेगी? जो डीएस क्रिएट किया गया यूजिंग प्राइवेट की उसे वेरीफाई करेगी। और इसके साथ क्या खत्म हो रहा है? आपका की पेयर। फिर आपको देखो नीचे मिलेगा पॉइंट नंबर 17 दैट इज प्राइवेट की एंड पब्लिक की, दोनों साथ में ले लेते। प्राइवेट की को अपन क्यों यूज करें? टू क्रिएट डीएस। पब्लिक की क्यों यूज करें? टू वेरीफाई डीएस, राइट। तो वही चीज उन्होंने लिखा है, प्राइवेट की इज अ की पेयर यूज टू क्रिएट डीएस, पब्लिक की इज अ की पेयर विच इज अ की ऑफ की पेयर विच इज यूज टू वेरीफाई डीएस एंड इज लिस्टेड इन द डीएससी। देखो मैंने वो भी बताया था सर, पब्लिक की कहां पे लिस्टेड होगी? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में। तो इतने पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं। आ जाइए वापस से 7.2 पे। पॉइंट नंबर 5 आपको मिल रहा होगा साइबर कैफे। आप सबको पता है साइबर कैफे क्या है सर? वो प्लेस जहां से इंटरनेट ऑफर किया जाता है इन जनरल टू द पब्लिक, दैट इज व्हाट साइबर कैफे। साइबर कैफे मींस एनी फैसिलिटी फ्रॉम वेयर एक्सेस टू इंटरनेट इज ऑफर्ड बाय एनी पर्सन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस टू द मेंबर्स ऑफ पब्लिक। साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है? मींस प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, रिसोर्सेज एक्सेट्रा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, डिस्क्लोजर, डिस्ट्रप्शन, मॉडिफिकेशन, मतलब जो भी आपके रिसोर्सेज है उन्हें आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो उसे क्या बोला गया? साइबर सिक्योरिटी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डिजिटल सिग्नेचर। ऑलरेडी मैंने कंसेप्ट बता दिया डिजिटल सिग्नेचर का। डिजिटल सिग्नेचर मींस ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय सब्सक्राइबर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेथड और प्रोसीजर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3। वो भी अपन पढ़ेंगे, राइट। एक चीज समझ लेना, मैं तीन टर्म्स लेके आ रहा हूं आपके सामने। पहला होता है कंट्रोलर, पहला कौन सा हो रहा है? कंट्रोलर। दूसरा हो रहा है सर्टिफाइंग अथॉरिटी और तीसरा होता है सब्सक्राइबर। आर यू विथ मी? सब्सक्राइबर को वेरीफाई ऑथेंटिकेट कराना है खुद को किसी थर्ड पार्टी से, ये बताना है कि हाँ मैं ही हूं जो ये साइन कर रहा है, तो वो किसके पास जाता है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास जाता है। आर यू विथ मी? मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास लाइसेंस होता है, रिपीट कर रहा हूं सुन लेना, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास लाइसेंस होता है टू इश्यू डीएससी टू सब्सक्राइबर। आर यू विथ मी? लेकिन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को वो लाइसेंस देता कौन है इश्यू करने का? कंट्रोलर। कौन देता है? कंट्रोलर। और कंट्रोलर को अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक हायरार्की बनाई है, सब हायरार्की समझ लेना, जिसमें बता रहा हूं आपको हायरार्की। हायरार्की में क्या बोल रहा हूं? सबसे ऊपर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ये मिसलेनियस पॉइंट है, ठीक है, इसे लिंक मत करना डीएससी डिजिटल सिग्नेचर से अभी जो पढ़ा है। सबसे पहले कौन आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किसे अपॉइंट करता है? कंट्रोलर को। कंट्रोलर किसे अपॉइंट करता है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। सर्टिफाइंग अथॉरिटी किसे लाइसेंस इशू कर, किसे डीएससी इशू करती है? सब्सक्राइबर को। किसे इशू करती है? सब्सक्राइबर को। चार जन है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, सब्सक्राइबर को चाहिए डीएससी, तो डीएससी इशू कौन करता है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी। लेकिन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को डीएससी इशू करने का लाइसेंस कौन देता है? कंट्रोलर। कंट्रोलर बेसिकली कहना इसे मैनेज करता है एक्टिविटीज को, रेगुलेट करता है किसकी एक्टिविटीज को? सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की। एंड कंट्रोलर को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हायरार्की हमेशा याद होनी चाहिए, अपने पेज पे कहीं भी लिख लेना, सीजी, कंट्रोलर, सर्टिफाइंग अथॉरिटी एंड सब्सक्राइबर। तो उसके हिसाब से आपको जहां भी सब्सक्राइबर मिलेगा या कंट्रोलर मिलेगा आपको पता चल जाएगा उसका मीनिंग क्या है। आई होप क्लियर, यू आर कंफर्टेबल स्टूडेंट्स। ओके, अब मैं आता हूं मेन पॉइंट नंबर 9 एंड पॉइंट नंबर 10 पे, जो मेरे को लेना जरूरी है। क्या बोल रहा है 9 एंड 10? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विथ रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक विथ रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन मींस
इंफॉर्मेशन जनरेटेड सेंट रिसीव स्टोर्ड इन मैग्नेटिक ऑप्टिकल कंप्यूटर माइक्रोफिल्म कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिक और सिमिलर डिवाइस. कोई भी डिवाइस पे अगर आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो तो वो कौन से फॉर्म में स्टोर हो रही है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर हो रही है. और जिस भी डिवाइस पे स्टोर करे उसे क्या बोलते हो? और कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर हो रही है तो उसे क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मींस डेटा रिकॉर्ड और डेटा जनरेटेड इमेज साउंड स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और माइक्रोफिल्म और कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिक. आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट. और इसके साथ में क्या खत्म हुआ? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. कंफ्यूज मत होना, सिंपल चीजें. और फिर अपन लेंगे एक लास्ट डेफिनेशन जो कि है इंटरमीडियरी. आप सबको मिल रहा होगा पॉइंट नंबर 14, इंटरमीडियरी. ए और बी के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो कोई भी बीच में जो आ रहा है, जो कम्युनिकेशन करवा रहा है, उसे क्या बोलेंगे? इंटरमीडियरी. आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट. सपोज आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया है, लेकिन आप सेंडर हो गए, आपका फ्रेंड रिसीवर हो गया, लेकिन आप कॉल कर रहे हो यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन लाइंस ऑफ व्हाट? से फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज, वोडाफोन, एयरटेल एक्सेट्रा. तो वो सब क्या हो गए? इंटरमीडियरीज. तो जो भी एक्स पर्सन है और वाई पर्सन के बीच में जो भी आते हैं वो कौन हो गए? इंटरमीडियरीज हो गए. कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है. आज आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? इंटरमीडियरी. आपने सपोज ओएलएक्स पे आपका कोई प्रोडक्ट सेल किया है तो आप तो क्या हो गए? सेलर. सामने कौन होगा? बायर. लेकिन करवा कौन रहा है? ये जो एक्सचेंज है वो कौन करवा रहा है? ओएलएक्स. तो ओएलएक्स क्या हुआ? इंटरमीडियरी. तो कंसेप्ट समझना इंटरमीडियरी का. आई होप आप सब कंफर्टेबल होंगे. सब आ जाएंगे पॉइंट नंबर 14 पे. एक बार रीड कर लेते डेफिनेशन. Intermediary with respect to any particular records means any person who on behalf of any other person or another person receives, stores or transmits that record or provide any services with respect to record and includes what? देखो example दे दो. Includes में कौन कौन हो गए sir? Network service providers, telecom service providers, web hosting, internet service providers, cyber cafes, online marketplaces, etc. etc. Cyber cafe भी क्या है sir? Intermediary है. अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन को किसी और की एक्सेस कर रहे हो तो उसके बीच में जो भी लोग आ रहे हैं वो सब कौन हो गए? इंटरमीडियरी हो गए. मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन. वापस से रिपीट कर रहा हूं, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जितनी भी चीजें आ रही है वो क्या हो रही है? आपके लिए इंटरमीडियरी हो रही है. तो इसके साथ में आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ रही होगी. तो स्टूडेंट्स, वी स्टार्टेड विद पेज नंबर 7.1, फिर मैंने आपको 7.2 लिया, 7.3 लिया एंड 7.4 में हाउ डीएस इज क्रिएटेड वो समझा है. अब अपने शुरू होंगे सेक्शंस, और सेक्शंस में नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा. ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, अच्छे से वापस से समझ लेना. इसमें काफी सारे की कॉन्सेप्ट्स आपके मैंने क्या किए? कवर किए. और वापस से मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से, तो 7.2 पे एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन को इंपॉर्टेंट कर लेना, उसके नीचे ऑब्जेक्टिव्स को इंपॉर्टेंट कर लेना, फिर आप एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, की पेयर, प्राइवेट की, पब्लिक की को इंपॉर्टेंट कर लेना, इंटरमीडियरी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पेज पे आओगे 7.4 पे तो आपको मिलेगा हाउ डिजिटल सिग्नेचर इज क्रिएटेड. ये कांसेप्ट भी क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और जब भी ये कांसेप्ट पूछेंगे आपको साथ में क्या करके आना है? ड्रॉ करके आना है कांसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए. फाइन, चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शंस के साथ में. थैंक यू.